मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बोईसर के डांडीपाड़ा में सीताराम प्रसाद नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी ममता देवी का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद पर चाकू से वार करके आत्महत्या करने की कोशिश किया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बोईसर पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या और आत्महत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इलाज के लिए बोईसर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण उनका आपसी विवाद होते रहता था। मंगलवार को दोनों में इस बात को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी का चाकू से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इस पति और पत्नी के रो रहे छोटे छोटे बच्चों को देखकर लोगों की आंखें भर गई। देखते ही देखते इन बेकसूर बच्चों का जो भविष्य है पल भर में अंधकार में डूब गया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।